राजधानी जयपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में एक बार फिर चोरों का आतंक देखने को मिला। देर रात चोरों ने कलेक्ट्रेट परिसर में कई अधिवक्ताओं के काउंटर्स को निशाना बनाया। चोरों ने काउंटर्स के ताले तोड़कर सामान पार कर लिया। अति सुरक्षित माने जाने वाले जयपुर कलेक्ट्रेट परिसर में चोरी की सूचना मिलने पर मौके पर जमा हुए अधिवक्ताओं व स्टाम्प वेंडर्स ने विरोध जताया। दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन जयपुर के बैनर तले अधिवक्ता और स्टाम्प वेंडर्स ने कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा के इंतजाम करने और सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की, जिसको लेकर जयपुर कलेक्टर जगरूप सिंह यादव को ज्ञापन सौंपा गया। दूसरी ओर वेस्ट जिले के पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर जल्द कार्रवाई की मांग की गई। दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन जयपुर के महासचिव गजराज सिंह राजावत ने बताया कि बीते कई दिनों से कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ताओं व स्टाम्प वेंडर्स की टेबलों के ताले टूट रहे हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में 19 तारीख को रात्रि में चोरी हुई थी। 10 अधिवक्ताओं स्टाम्प वेंडरों के ताले तोड़ लिए गए थे, उसकी रिपोर्ट हमने दर्ज करा दी थी। और वापस कल रात को 21 तारीख को फिर कलेक्ट्रेट परिसर में चोरी हुई है। लगभग 15 से 20 अधिवक्ताओं के ताले तोड़ लिए गए सीटों के, और उनमें से महत्वपूर्ण दस्तावेज स्टाम्प वेंडरों के रजिस्टर और स्टाम्प मोहरें वगैरह सारी निकाल ली गई है। उसकी रिपोर्ट भी आज हमने जिला कलेक्टर साहब को और